जहानाबाद के पूरी जनता एन के जो मतदाता हैं वो लोग पूरा मन बना चुके हैं कि एन के उम्मीदवार के रूप में एक तारीख को हमारे तीर छाप जो चुनाव चिन्ह हैं उस पर अपना मत देकर निश्चित रूप से हमको विजय बनाए देखिए नाराज़गी पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं थी नाराज़गी सुनियोजित था अच्छा। जो हमारा था षडयंत्र था जो हमारे प्रतिद्वंदी थे वो लोग कुछ लोगों को नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज देखिए एक जून को रखना बस इतना ध्यान बचा रहे जहानाबाद का मान और सम्मान देखिए आपको मालूम है कि जहानाबाद में एक तारीख को मतदान होना है और जहानाबाद से एनडीए के प्रत्याशी हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी जी सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि लगातार हम वीडियोस देख रहे हैं हैं लगातार हम फोटोस देख रहे हैं। आप लगे हुए हैं जहानाबाद में और कई कबार तो आप पैदल ही लोगों के बीच निकल जा रहे क्या माहौल दिख रहा है आपको देखिये तो चुनाव का जो प्रक्रिया है तो मतदाता चाहते हैं कि जो उम्मीदवार हो उनसे हमको मुलाकात हो तो उस क्रम में हम पूरे क्षेत्र में बाखूबी सभी मतदाताओं से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो और उनसे हम आग्रह करें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बिहार में और देश में काम किया गया है देश का मान सम्मान जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है विदेशों में आज ख्याति बढ़ी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से तो फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा के सदस्य के रूप में मुझे जो एन से टिकट दिया गया है वो तो जहानाबाद सीट से एक तारीख को मतदान होना है उसमें लोग बहुमूल्य मत देकर अब मुझे विजयी बनाए और उनके किए गए कार्यों को जो किया दिया किया गया है उसकी हम लोग उन लोगों के बीच में रखने का काम करते हैं हमको लगता है कि जहानाबाद के पूरी जनता एन के जो मतदाता हैं वो लोग पूरा मन बना चुके हैं कि एन के उम्मीदवार के रूप में एक तारीख को हमारे तीर छाप जो चुनाव चिन्ह है उस पर अपना मत देकर निश्चित रूप से हमको विजय बनाए आपको विजयी बनाएंगे लेकिन एक और सवाल जो जनता के मन में है और हम आपसे जानना चाहते हैं सीधा सवाल मेरा होगा आपसे क्या लगता है चंद्रवंशी जी कहा जा रहा था कि काफी लोग यहाँ के नाराज हैं आपसे वो नाराजगी अब भी है या नाराजगी खत्म हो गई है सब कुछ ठीक हो गया है देखिए नाराजगी पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है जी। नाराजगी सुनियोजित था अच्छा। जो हमारा था षड्यंत्र था जो हमारे प्रतिद्वंदी थे वो लोग कुछ लोगों को मैंने समझा के या किसी भी एन केंद्र प्राक्रेन अपना विचार को उनके पास पहुंचा करके और हमारे खिलाफ षडयंत्र कर करके लोगों ने दुष्प्रचार कराने का काम किया जनता में ऐसा कोई भ्रम नहीं है और जनता एन के रूप में साथ है एन के साथ है या एन के उम्मीदवार के रूप में हमको पूरा समर्थन मिल रहा है पूरा समर्थन मिल रहा है लेकिन हम आपको बता दे कि आरजेडी भी कह रही है कि जहाना बात तो हम जीत रहे यानी कि जीत की गारंटी आरजेडी ने महागठबंधन ने दे दी यानी कि अब आपकी टेंशन बढ़ गई दे। देखिए हमको ना पहले टेंशन था और ना आज टेंशन है और ना हम जान रहे हैं हम निश्चिंत है चुनाव सब आदमी लड़ता है और सब आदमी जीतने के लिए लड़ता है, है। जी। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि एनडीए के पास जो मतदाताओं की संख्या है वो इंडिया गठबंधन के माने मत, मतदाताओं से बहुत ज़्यादा है उसमें कहीं तुलना ही नहीं है तो जब इस तरह की बात है समीकरण देख लीजिए आज एनडीए के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काम किया हुआ ख्याति आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास पूरे बिहार को कहाँ से जंगल राज से निकाल करके और बिहार को अमन चैन के रास्ते पर लाने का काम किया और सब सुविधा उपलब्ध कराया बिहार की जनता को और हमारे साथ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, जी हैं हमारे साथ लोजपा के चिराग पासवान जी हैं हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं अब इतने इतने नेताओं के समर्थक जो मतदाता हैं उनके सामने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के जो मतदाता हैं वो काफी संख्या कम पड़ता है अच्छा। इसलिए सवाल ही नहीं उठता है वो तो ऐसे कहें कि हम पूरा बिहार जीत रहे हैं चालीसो चालीसो सीट जीत रहे हैं जी जी। लेकिन तो खास करके कह रहे हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं वो ख्याली पुलाव है अच्छा। और ये तो रिजल्ट निकलेगा चार तारीख को तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जाएगा। मतदाता मालिक है मतदाता ही चुनता है प्रतिनिधि को तो मतदाता जिनको ज्यादा वोट देगा वो जीतेगा बिल्कुल और वो मतदाता के संख्या हमारे पास ज्यादा है हाँ। इसलिए हम जीतेंगे इसलिए आप जीतीगा लेकिन चंद्रवंशी जी हमें याद है मैंने ही अनंत सिंह से भी बातचीत की थी और अनंत सिंह से जब सवाल हुआ तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कुछ सीटें हैं जो गड़बड़ा रही है उसमें से एक नाम जहानाबाद का भी लिया वो बोले होंगे उनको जो सूचना मिला होगा उसके आधार पर बोले होंगे यहाँ जमीन का जो सूचना है वो आपको हम बता रहे हैं क्योंकि हम तो घूम रहे हैं हर गांव में पैदल ही एकदम हर गांव में हर गली में घूमते हैं अभी, अभी दिन में निकलते हैं तो रात के दस बजे ग्यारह बजे आते हैं तो मतदाताओं का जो मन है वहाँ गांव में पता चलता है रोड पर फेसबुक पर चलाने वाले को उनका खबर नहीं है इसलिए उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं कहीं कोई सच्चाई नहीं है अच्छा हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अगर इस बार जनता आपको आशीर्वाद देती है चंद्रवंशी जी तो कौन कौन से ऐसे काम है जो आपके बचे रह गए थे इस बार अगर आशीर्वाद मिला तो पूरा कर दीजिएगा हाँ निश्चित रूप से हम ए, एक बात तो आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ किसी के क्षेत्र में काफी काम की आवश्यकता है पहले भी हम कुछ प्रयास किया है इस बार निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो फसल कृषक उपजाते हैं उसमें किस तरह से वो बढ़ोतरी करें उसका किस्म किस तरह से उत्तम हो और उच्च क्वालिटी का हो इसके लिए यहाँ हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि साइंटिस्ट को भेजा जाए और यहाँ के कृषकों को उसका ट्रेनिंग दी जाए उनको जानकारी दी जाए कि वो अपना उपज कैसे बढ़ा सके अपनी भूमि को कैसे उज्वरा बनाए रखें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और दूसरा काम है कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज विथ हॉस्पिटल हम चाहते हैं कि उसकी स्थापना हमारे कार्यकाल में अगली बार हो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र मोदी जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे प्रयास करेंगे कि उसकी स्थापना हो जाए उसकी स्थापना हो जाए लेकिन पिछली बार हमें याद है अगर मैं गलत नहीं हूं यानी कि 2019 में आप सिर्फ 1700 मतों से ही जीते थे इस बार क्या लगता है क्या वही स्थिति होगी नहीं नहीं इस बार बहुत काफी मतों से अंतर रहेगा मेरे जीत का इसलिए कि उस बार एक तो हमारे जो तो समर्थक थे उन लोगों के मन में बहुत सारी बातें थी आज वो सब बात निकल चुका है और दूसरी बात है की आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से ए, उस समय हमारे साथ जीतन राम मांझी साहब नहीं थे नहीं। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा साहब नहीं थे तो इस इन सब मत, मतों का गिनती उस समय हमारे साथ नहीं हो सका नहीं। था लेकिन इस बार तो वो सब मत हमको मिल रहा है उसमें कहीं कोई आदरणीय मुख्य पूर्व मुख्यमंत्री जी जितना मानिए जी, जी। अतरी में कैंप किए हुए हैं संतोष सुमन मंत्री जी घूम रहे हैं हाँ? चिराग पासवान जी का भी प्रोग्राम लगा हुआ है हाँ? उपेंद्र कुशवाहा जी भी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हाँ? उनके समर्थक मतदाता हमको पूर्ण विश्वास के साथ मत दे रहे हैं अच्छा एक तरफ सुरेंद्र यादव है एक तरफ अरुण कुमार है एक तरफ आशुतोष कुमार है क्या लगता है किसको आप अपना तगड़ा कंपटीशन मानते हैं सच्चाई से? देखिए हम कंपटीटर मानते ही नहीं मानते ही नहीं है किसी में दम ही नहीं है आपके सामने नहीं इसलिए बता रहे हैं कि अभी आपको हम बताया की उन लोगों के साथ जो मतदाता है उनके जो समर्थक है उनसे हमारे समर्थकों की संख्या ज्यादा इस आधार पर हम बोलते हैं जी जी जी। क्योंकि एनडीए एक ऐसा संगठन है एक ऐसा बना है प्लेटफॉर्म कि जिसके पास काफी मतों की ताकत है तो वो ताकत के आधार पर हम बोलते जी। अच्छा एक और चर्चा है चर्चा एक और ये हो रही है कि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि दो में यहाँ से कोई भूमियार ही प्रत्याशी होगा अब निश्चित तो रूप तो से प्रत्याशी में तो जात का कोई लिखित तो होता नहीं है वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है जी। वो तो जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे उसमें हम लोगों को कोई थोड़े है है तो क्या ये चंद्रवंशी जी का आखिरी चुनाव होने जा रहा है? अब ये तो देखिए ऐसे भी हम चाहेंगे कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मिलता है टिकट हमारे पार्टी के समर्थक को तो हमको उसको कोई एतराज नहीं होगा कोई ऐतराज नहीं होगा फिर भी आप साथ हैं एकदम, साथ है।, एकदम, पार्टी एकदम के, साथ है पार्टी के साथ रहे हैं पार्टी के साथ रहेंगे उसमें कहीं कोई फर्क कहीं नहीं नहीं कोई फर्क नहीं होगा लेकिन एक और सवाल ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे क्या लगता है कितने मतों से जीतेगा दावा तो आपने जीत का कर दिया और हमने भी सुन लिया लेकिन कितने मतों से जीतेंगे इस बार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी देखिए ये कहना अभी हमारे लिए उचित नहीं होगा क्योंकि कितने मतों से हम जीतेंगे ये कोई उम्मीदवार नहीं बोल सकता है लेकिन तबर के जीत के अंतर से काफ़ी अंतर आगे रहेगा अंतर रहेगा मतलब तबरी जो है हमको याद है सत्रह सौ रहा था सवाल का बड़े ही बेबाकी से जवाब भी दिया है तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज बहुत शुक्रिया